कि सरकार हां करे या ना करे। आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। 5 घंटे चली मैराथन मीटिंग खत्म। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें राउंड की मीटिंग का निष्कर्ष निकला एक नई तारीख। 9 दिसंबर को होगी मीटिंग, सुबह 11 बजे मीटिंग का वक्त, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। शनिवार को हुई मीटिंग के बाद किसानों का वर्जन सुनिए। हम आज फैसला करके आए थे कि सरकार से जवाब मांगना है कि सरकार हां करे या ना करे। सरकार चर्चा आगे बढ़ाना चाहती थी, हमने उसको मना कर दिया कि हम चर्चा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कानून रद्द करो, उसमें हां करे या ना करे। जब सरकार कहती है अमेंडमेंट कर देंगे, हमारा ये कहना है जब अमेंडमेंट ही जीएसटी की तरह 300 से ज्यादा जैसे जीएसटी में अमेंडमेंट हुए हैं तो आपके कानून में क्या रह जाएगा? आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? आप इस बात पे क्यों जिद्दी हैं? 9 तारीख नु सरकार सानू प्रपोजल भेजूगी ते फिर असी मीटिंग करन आवांगे। यस ते नो दे विच हार के पेपर फड़ ले सीगे, इधर यस इधर नो, नथिंग एल्स। किसान नई तारीख पर नई उम्मीद देख रहे हैं। तो मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। कृषि सुधार बिल पर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के 10वें दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की तो दोपहर में किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 5वें राउंड की मीटिंग दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार के साथ टेबल पर बातचीत से पहले किसान अपनी डिमांड को लेकर स्पष्ट थे। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखो, सरकार को हम अपनी मांगे बता चुके हैं, हमारी जायज मांगे हैं किसानों की, हिंदुस्तान की, और हमें उम्मीद है कि आज जैसे सरकार का रुख नरम डे बाय डे हो रहा है कि आज हमारी मांगे मांगी जाएंगी। और जो हम चाहते हैं, किसान हिंदुस्तान का चाहता है कि वो बिल वापस हो। 2 बजे किसानों के साथ मीटिंग शुरू हुई। किसानों की डिमांड पर सरकार ने अपने प्रपोजल की लिस्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाई। एपीएमसी का दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। निजी मंडी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट विवाद का सिविल कोर्ट में निपटारा। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। 5वें राउंड की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और फर्श पर बैठकर खाना खाया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई, लेकिन किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, यानी अभी गतिरोध जारी है। आठ को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। पलवल पर हमारे लोगों को रोका है, यानी सबसे अधिक दूर है मध्य प्रदेश। 1000 किलोमीटर से ट्रालियां आके एक जाम कर दिया सड़क को। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चर्चा करने के बाद एक लंबा समय लेते हैं और हम आने वाली जो बैठक होगी 9 तारीख की, उसमें निर्णय करेंगे। किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। अगली कोशिश 9 दिसंबर को होगी, जब 6ठी बार किसान और सरकार टेबल पर समाधान के लिए बैठेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।